हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज हाउ मेनी ग्राम ऑफ डाई बेसिक एसिड मॉलिक्यूलर वेट इक्वल टू 200 शुड बी प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ एक्वस सॉल्यूशन टू गिव 0.1 नॉर्मल। सो लेट्स हैव अ लुक ऑन द की कंसेप्ट दैट वी आर गोइंग टू यूज इन दिस क्वेश्चन। सो की कंसेप्ट हमारा जो यूज होगा इस क्वेश्चन में वो यूज होगा नॉर्मेलिटी ऑफ सॉल्यूशन। सो नॉर्मेलिटी ऑफ सॉल्यूशन इज नथिंग बट जस्ट नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स प्रेजेंट इन 1 liter ऑफ अ सॉल्यूशन। सो नॉर्मेलिटी इज डिनोटेड बाय एन, दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, या फिर नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स प्रेजेंट इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो यहां पे हम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो जो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स होते हैं वो हमारे पास सिंपली इक्वल होते हैं, दैट इज हमारे पास जो भी गिवन मास हो, दैट इज गिवन वेट को मैं डब्ल्यू से लिख रहा हूं, डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट को मैं ई से लिख रहा हूं, इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हैज टू बी इन लीटर, बट अगर एमएल में है तो मेरे पास आ जाएगी 1000 से मुझे मल्टीप्लाई करना होगा। अब यहां पे जो इक्विवेलेंट वेट है, इक्विवेलेंट वेट ये हमारे पास इक्वल होता है मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय एन फैक्टर। सो व्हाट डू वी मीन बाय एन फैक्टर? एन फैक्टर इन केस ऑफ एसिड्स इज सिंपली इट्स बेसिसिटी। बेसिसिटी क्या होती है? कितने एच होता है हमारा एक एसिड, ये कितने एच प्लस दे सकता है, तो ये हमारे पास होती है बेसिसिटी इन केस ऑफ एन एन फैक्टर इन केस ऑफ एसिड। तो यहाँ एसिड है तो एसिड की ही बात करेंगे। अब यहाँ पे इस फॉर्मूले जा रहे हैं, सो नॉर्मेलिटी मेरी इक्वल हो रही है वेट डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट इंटू मेरे पास आ रहा है 1000 डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन एमएल इंटू क्या करना है एन फैक्टर। तो यहाँ पे मुझे वेट निकालना है नॉर्मल, यहाँ पे नॉर्मेलिटी की बिना एस 0.1। तो आइए वैल्यूज पुट करते हैं। इसको मैं एक्स लिख रहा हूं, मॉलिक्यूलर वेट 200 दे रखा है इंटू एन 100 ml दे रखा है। अब यहां पे हमें एन फैक्टर निकालना है किसका, ये हमारे पास क्या है एक डाय बेसिक एसिड है। डाय बेसिक एसिड का मतलब है, डाय का मतलब होता है दो, ऐसा एसिड तो दो एच प्लस आयन दे सकता है। जैसे कि मैं लिख रहा हूं कोई भी एच टू होगा, यहाँ पे ए लिख रहा हूँ, ए कुछ भी हो सकता है, कोई भी एनायन हो सकता है, ये हमारे पास ले लीजिए। अब यहाँ पे क्या होगा, अब इसको जैसे ही हम वाटर में डालेंगे तो ये जो ब्रेक डाउन हो जाएगा ये होगा 2H+ प्लस ए नेगेटिव में होगा। तो यहाँ पे कितने एच प्लस आयन दे रहा है ये एक मॉलिक्यूल, इसका 2H+ आयन दे रहा है, तो इसका मतलब इसका जो एन फैक्टर है वो हमारे पास हो रहा है 2, बिकॉज ऑल्सो ये डाई बेसिक एसिड है, तो दैट्स वाई हमारे पास को ये भी कह सकते हैं ये डाई बेसिक है। वही अगर मोनो बेसिक होता तो एन फैक्टर होता बस। तो यहाँ पे जो एन फैक्टर की वैल्यू हमें डालनी है 2। अब सिंपली एक्स की वैल्यू कर लेते हैं कैलकुलेट। सो यहाँ पे ये 2 0 से 2 0 कैंसिल, यहाँ पे पॉइंट हटा के 1 0 लगा लेते हैं, यहाँ पे 1 0 से ये 1 0 कैंसिल, ये 1 0 से ये 1 0 कैंसिल। अब यहाँ पे 2 1 2 1, तो फाइनली एक्स के पास कुछ भी नहीं बचा, 1 ग्राम हमारे पास आ जाएगा। सो हमारे पास यही हमारे पास फाइनल आंसर हो जाएगा। सो लेट्स हैव अ लुक ऑन द ऑप्शन, यस सो द फाइनल आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर ए। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।